हेलो एंड वेलकम। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जो है हम लोग का चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू चलेगा 2022 एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और ये कंटिन्यू आपको चैप्टर वाइज चलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू हिस्ट्री का कराया जाएगा, ठीक है। और जो इसका पीडीएफ है आपको, ये जो पीडीएफ है आपको, उसको आपको टेलीग्राम रूम लिंक में हम लेक्चर ख़त्म होने के बाद पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं, डायरेक्ट जो पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख लीजिए, यानी तो है आप जो है इस लेक्चर को कंटिन्यू देख सकते हैं, ठीक है। और जो है मैंने ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के एग्जाम के लिए, वो मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए विदाउट जो है हम लोग टाइम को वेस्ट किए बिना इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हरप्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ में मिला है, ठीक है। तो आप लोग भी जो है थोड़ा इसको ट्राई करिए, ठीक है, ताकि जो है जो क्वेश्चंस का आंसर है आपको याद रहे, ठीक है। तो अगर आप ट्राई करिएगा तो आपको जो है क्वेश्चंस का आंसर याद रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कालीबंगा, ठीक है। हल का प्रमाण कहाँ मिला था? कालीबंगा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। हड़प्पा संस्कृत, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस जो पुराविदित ने प्रकाश डाला था? तो किसने डाला था? आपको अर्नेस्ट मैके ने, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1921-22 ईस्वी में किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने की थी। 1921 ईस्वी में किसका खोज हुआ था? 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज किया था, किसने किया था? हड़प्पा का खोज किसने किया था? वो दयाराम साहनी ने किया था, दयाराम साहनी, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1921 में हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। और 1922 में राखल दास बनर्जी ने किसका खोज किया था? तो मोहन जोदड़ो का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो देखिए सिंधु घाटी में जो है ना, जो लोहा जो है उससे बना हुआ कुछ भी नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। तो इससे अनुमान यह लगाया जाता है कि जो सिंधु घाटी के सभ्यता के निवासी थे उनको जो है लोहा धातु जो है उसका ज्ञान नहीं हुआ था अभी तक, ठीक है। अब जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये मोहनजोदड़ो जो है देखिए आपको सिंध नदी के किनारे जो है पाया गया था, तो इसके अनुसार से हम लोग बोल सकते हैं कि सिंधी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा आपको अभी जो है प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। जान लीजिए ये बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करिएगा। और जब भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप लोग भी साथ साथ में ट्राई करिएगा, ताकि क्वेश्चन जो है आपको याद रहे, ठीक है। और ये लेक्चर मैं ज़्यादा ड्यूरेशन का नहीं रखूँगा, और कम ड्यूरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कराऊँगा, ताकि जिससे जो है आपका टाइम जो है कम से कम बर्बाद हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो सबसे पहले देखिए राय बहादुर दया साहनी जो थे, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि सब खोज किया था दयाराम साहनी ने, मोहन आपको जो है हड़प्पा की खोज की थी, किस कब? 1921 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑब्वियस है कहाँ पे खोज उन्होंने करवाया होगा, उत्खनन कहाँ करवाया होगा? हड़प्पा में ही करवाया होगा, जब उन्होंने ही खोज की 1921 ईस्वी में तो हड़प्पा में ही करवाया होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से हिंदू देवताओं में कौन सा जो है संधव सभ्यता का प्रमुख देवता? संधव सभ्यता मतलब क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख देवता है, ठीक है। सिंधु घाटी मतलब सबसे ज़्यादा किसका पूजा वो लोग करते थे? देखिएगा शिव भगवान का, जो शिव भगवान की मूर्ति वगैरह है जो है ये सब बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके महाकालीन नहीं मानी जाती है? ठीक है, किसके महाकालीन नहीं मानी जाती? तो क्रीट की सभ्यता के महाकालीन नहीं मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता हम लोगों को पता है किस युग की सभ्यता है? काशी युग की सभ्यता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख और भनावेश। तो कौन सा नहीं है आपको? साहित्य। कौन सा नहीं है? साहित्य नहीं होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का क्या प्रशासन था, मतलब वहाँ जो किस टाइप का जो है आपको प्रशासन था, तो किस तरह का था, मतलब पता है कि वहाँ का जो जो सिविलाइजेशन था, जो वहाँ का लोगों का रहने का जो था काफ़ी उच्च क्वालिटी का था, तो नगर पालिका जैसे था मतलब। और हम लोग क्या जानते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता थी किस तरह की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। तो वहाँ पे जो है अच्छे अच्छे मकान थे, ईंट के बने हुए मकान थे, और जो रोड्स हैं वो आपको राइट एंगल ट्रायंगल पे इस तरह से बने हुए रहते थे, ठीक है, गली वगैरह थे, ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा था, नगर पालिका जैसा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि हड़प्पा पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया था, तो हड़प्पा को किसने किया था, ये तो अभी 1921 में किया गया था, ठीक है, कब किया गया था, 1921 में, और किसने किया था, अभी देखिए तुरंत हम, ये क्वेश्चन बार बार आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, किसने किया था, तो बहादुर राम साहनी ने किया था 1921 में हड़प्पा का खोज, ठीक। इसी तरह से मोहन जोदड़ो का भी आपको याद रहना चाहिए 1922 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानाघर के अवशेष कहाँ मिले हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विशाल स्नानाघर का जो है अवशेष कहाँ पे मिले हैं, तो ये तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, तो कब कहाँ मिले हैं, मोहन जोदड़ो में, कहाँ मिले हैं, तो मोहन जोदड़ो में। और अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्या बोल रहा है कि राखल दास बनर्जी को मोहन जोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, तो किस वर्ष मिला था, राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा सॉरी मोहन जोदड़ो का जो है उत्खनन कब किया था, 1922 ईस्वी में किया हुआ था, जब उत्खनन किया हुआ तभी तो अवशेष मिला हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1922 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा, किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, तो पश्चिम उत्तर में, किस भाग में, पश्चिम उत्तर में, भारत हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, तो पश्चिम उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, मोहन जोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, मोहन जोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऑब्वियस है किस नदी के किनारे है, वो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। और हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा का आंसर क्या होगा, अगर हड़प्पा पूछेगा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है वो आपको रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है, सिंधु सभ्यता में जो है वो गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिला है, लोथल से, कहाँ से, लोथल से। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति जो है वो आपको कहाँ से मिली है, तो वो आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मोहन जोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहन जोदड़ो से मिली है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए अभी हम लोग और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, और जो है मैं आपको एक से दो क्वेश्चन दूंगा आपको, जिसको कि आपको हमको कमेंट में बताना है कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो रावी नदी के किनारे है। और आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो सिंध नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानाघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानाघर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका है, लेकिन मैं तब भी देखता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर कितने लोग देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए तो ये थे चैप्टर वन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर टू का देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह से हम लोग चैप्टर वाइज जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन सारे को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो मैंने जो है
10 मिनट के अंदर जो है आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिए। तो यहाँ पे अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको फुल जो है कंप्लीट जो है सॉलिड कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी हिस्ट्री का जो है कंटिन्यू एमसीक्यू चलने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है? ज़रूर जो है इस वीडियो को एक जो है लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए।